हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग पनीर भुर्जी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पनीर भुर्जी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। अभी इसमें खड़े मसाले ऐड कर लेना है। खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तज के पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा लिया है। अब ये खड़े मसाले तेल में ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 2 फाइनली चॉप किए हुए ऑनियन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी ऑनियन को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे लगभग 4 से 5 मिनट तक फ्राई किया है। अभी इसमें 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी गैस की फ्लेम को लो कर देना है और एक एक करके मसाले ऐड कर लेना है। 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है। 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेना है और सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी इसमें 2 फाइनली चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा ऐड कर सकते हो। अभी इसमें 1/4 गिलास पानी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको और भी पनीर की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है। अभी इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर ऐड कर लेना है। पनीर को मैंने इस तरह से हाथ से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अभी इसमें ये पनीर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो इससे पहले हम लोगों ने 1/4 ग्लास पानी ऐड किया था, यानी कि टोटल 3/4 ग्लास पानी यूज किया है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 6 से 7 मिनट तक कुक कर लेना है। कुक करते टाइम इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देख लेते हैं। अभी इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। थोड़े से धनिया के पत्ते ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक मिक्स कर लेना है। तो इससे पहले भी मैंने पनीर भुर्जी का वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो इसको मैंने हाई फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक मिक्स कर लिया है। तो ये पनीर भुर्जी ग्रेवी बन के रेडी है। अभी इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो पनीर भुर्जी ग्रेवी मैंने प्लेट में सर्व कर ली है। तो आप इसको रोटी के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हो।
तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।